जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली आप सभी के लिए, जितने भी बच्चे एसएससी जीडी 2021 को फाइट कर चुके हैं उन सभी के लिए, और जो अभी प्रेजेंट टाइम में फिजिकल दे रहे हैं या जिन्होंने फिजिकल दे दिया है उन सबका अब कमेंट्स आने लग गया कि सर फिजिकल की जो कट ऑफ गई थी उसमें और मेन कट ऑफ या मेडिकल की कट ऑफ में कितना अंतर रहेगा, उसका जो एनालाइज है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चाहे आप कोई से भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जो मैं बातें बताऊंगा जितने बच्चे ग्राउंड में जा चुके हैं या जो जानने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत जरूरी है। पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि एसएससी जीडी के फिजिकल के लिए जो कट ऑफ गई है वो अलग अलग स्टेट से अलग अलग रूप से रहेगी, आगे भी अलग अलग रूप से ही रहेगी, ये आप सभी को पता है। बाकी जो कट ऑफ का जो ऊपर पड़ने के जो अंक होते हैं वो भी अलग अलग, कई ऐसे स्टेट है जहां पर एक अंक भी नहीं बढ़ती है और कुछ ऐसे स्टेट है वहां पर 5 से 7 या 10 अंक भी बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे स्टेट जिन पे नहीं बढ़ते हैं उनकी बता देता हूं। सबसे पहले देखिए कट ऑफ, जितने भी राज्य हैं इनमें से अभी जैसे ग्राउंड का टाइम आप सभी को पता है 4 AM कर दिया गया, यानी बहुत सारे जैसे रनिंग का जो टाइम था पहले 5:30 था उसको अब 4 AM कर दिया गया। अगर आप भी देने जाओ तो इस बात का ध्यान रखना। ये किस लिए किया गया, क्योंकि जब समय 5 बजे के बाद में आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, एडमिट कार्ड चेक होता है और समय फिर लेट हो जाने के कारण, रनिंग धूप में होने के कारण बच्चे पास नहीं कर रहे थे, तो उसके कारण यह चेंज किया गया। साथ ही एक दिन एक सेंटर पर 350 बच्चे के आसपास जो बुलाए जा रहे हैं उसमें से मैं आपको बता दूं लगभग 50 से 100 बच्चे अब्सेंट रहते हैं, 50 से 100 बच्चे अब्सेंट रहते हैं। अब ये अब्सेंट में कई ऐसे आंकड़े हैं जो बच्चे बहुत ज्यादा तैयारी करने वाले हैं उनका या तो कहीं ना कहीं नंबर आ गया है, या कुछ कम नंबर वाले बच्चे भी रनिंग करने नहीं जाते हैं, या कुछ की रनिंग अच्छी नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जिनके नंबर तो अप टू द मार्क्स से बहुत ऊपर रहते हैं लेकिन उनकी रनिंग अच्छी नहीं होती इसलिए वो नहीं जाते हैं। तो अब कट ऑफ के बाद में देखिए 350 बच्चों में से ये मान के चलिए कि 100 बच्चे तो यही बार हो जा रहे हैं, तो बच्चे अब 250 बच्चे, यानी जितने बच्चे पास किए उसमें से आप ये देख लीजिए कि लगभग इतने बच्चे तो पहले ही आउट हो जाएंगे। तो कट ऑफ ऊपर जाने के कितने चांस है, मैं आपको बता दूं कि मेडिकल की जो कट ऑफ है, जो मेडिकल के लिए जो कट ऑफ आएगी उसमें और फिजिकली कट ऑफ में ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि जो फिजिकल होना है लगभग आप मान के चलिए 60,000 कैंडिडेट का होना है, 60,000 कैंडिडेट का फिजिकल होना है, और इसमें जो पास करने के बाद में जो आंकड़ा बचेगा उसमें और 60,000 की पोस्ट में जो आंकड़ा बनेगा इसकी कट ऑफ में ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। जो अंतर आएगा इसके मेडिकल के बाद में जो फाइनल कट ऑफ रहेगी उसी में ज्यादा अंतर रहेगा। और एक चीज और, मेडिकल के लिए पिछली बार 2 बार कट ऑफ हुई थी, 1 बार कट ऑफ देने के बाद में फिर बाद में 25,000 बच्चों का और मेडिकल हुआ था, तो हो सकता है मेडिकल के लिए इस बार भी 2 बार करें वो, अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं बच्चे कम हो रहे तो वो सीटें बढ़ा के मेडिकल और ज्यादा का भी करते हैं। तो ध्यान रखिए मेडिकल के लिए कट ऑफ ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी। जितनी भी रही है मैं आपको बता दूं, जो स्टेट जैसे बड़े बड़े स्टेट है राजस्थान, यूपी, हरियाणा, पंजाब, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, यहाँ की कट ऑफ में 2-2, 3-3 नंबर का फर्क आएगा, +2-3 लड़कियों की कट ऑफ हो चाहे लड़कों की। लेकिन बाकी जो स्टेट जैसे असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, यहाँ पर देख लेना आप 1 नंबर भी बढ़ने के बहुत कम चांस है, बहुत ही रेयर केस में जनरल कैटेगरी में 1 से 2 नंबर बढ़ेंगे, बाकी इन स्टेट्स में हर एक कैटेगरी में 1 से 2 नंबर कट ऑफ बढ़ने के चांसेस है, ध्यान रखना है। लाडू, जय हिंद, जय भारत।